हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन की। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यूज अ सिंगुलर नाउन। जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं तो सिंगुलर नाउन होता है, जब एक से अधिक की बात करते हैं तो प्लूरल नाउन होता है। पर्सन का मतलब व्यक्ति, एनिमल का मतलब जानवर, किसी भी जानवर, किसी भी तरह का जानवर, प्लेस का मतलब जगह और थिंग का मतलब चीजें। तो सिंगुलर नाउन के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एन एरोप्लेन, अ बाइसिकल। यहाँ एक बाइसिकल की बात हो रही है, बाइसिकल्स नहीं है, बहुत सारे बाइसिकल नहीं है, एक बाइसिकल है। अ बॉय, अ बस, अ कॉम, अ गर्ल, अ की, अ लेटर, अ मैप, अ फोटोग्राफ, अ रेफ्रिजरेटर, अ वैन, अ ट्रेन, अ वोमेन। यहाँ पे सिर्फ एक की बात हो रही है, एक से ज्यादा की नहीं, एक लड़के की बात हो रही है, एक बस की, एक कंघे की, एक लड़की की, एक चाबी की। तो जब एक की बात होती है उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, बहुत सिंपल है। अब इसमें ए और एन कैसे लगता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब शब्द से पहले, जैसे यहाँ पर ए है तो ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। जब कॉन्सोनेंट्स हो तो ए आता है, जैसे कि अ बास्केट। अब जैसे अ के बाद बी है तो बी कॉन्सोनेंट्स है तो उससे पहले ए आएगा। अ कार, सी भी कॉन्सोनेंट्स है तो उससे पहले ए आएगा। अब जिसमें वोवल होते हैं, वोवल का मतलब है ए ई आई ओ यू। अगर ये सेंटेंस आते हैं इसके बाद तो उससे पहले एन आएगा, ए एन एन। एग है तो एग से पहले एन आएगा, ऑरेंज है ओ तो उससे पहले एन आएगा। अब जैसे अ यूनिफॉर्म, ऐसी चीजों, यूनिफॉर्म हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। अ यूनिफॉर्म में एक यूनिफॉर्म की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ए एक चीज के लिए आया है, ना कि यू को देखकर। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, इसमें भी अ ही आता है, एन नहीं आता है।